ओके, सो आई शेयर माय स्क्रीन। ओके ठीक है, अब तक हमने तीन सर्विसेज कवर कर ली है, IAM, EC2 और S3। ठीक है, आई होप कि मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उन चीजों की, टू गेट सम क्लैरिटी ओवर इट। एक बार पेंडिंग हो जाएगी चीजें, आपको डिफिकल्ट होगा, विल बी मूविंग वेरी फास्ट नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो कुछ सर्विसेज ऐसी है जिसका बहुत ब्रीफ लेंगे हम लोग, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अथेना इज वन ऑफ देम। अथेना में एज सच कुछ है नहीं इतना ज्यादा, और जो भी चीजें मेन मेन है वही लेंगे हम लोग। ठीक है, जब ग्लू करेंगे तो ग्लू कैटलॉग की जो बात आती है अथेना में, वो उस टाइम हम लोग अथेना में आके फिर से रिविजिट करेंगे अथेना को। ठीक है, सो व्हाट इज AWS अथेना? ठीक है, किसी को पता है अथेना क्या है? सर्विस के बारे में कुछ पता है AWS के? हाँ, एम आई ऑडिबल? यस ओके, किसी को नहीं पता है? यस ओके ठीक है, पहली बार सुन रहे हो अथेना के बारे में? ठीक यस सर है ठीक है, चलो अथेना क्या है देखो, एक सिंपल अथेना एक क्वेरी, सिक्वल क्वेरी इंजन है। ठीक है, नॉट जस्ट सिक्वल, इट इज नाउ प्रोवाइडिंग अ पाइस्पार्क एंड स्पार्क सिक्वल क्वेरीज आल्सो। ठीक है, एक सर्वरलेस क्वेरी सर्विस बनाई है उन्होंने। ठीक है, सो व्हाट इज अथेना? सर्वरलेस क्वेरी सर्विस फॉर एनालाइजिंग डेटा इन S3 यूजिंग स्टैंडर्ड सिक्वल। इससे कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट इज सर्वरलेस? किसी को समझ में आ रहा है सर्वरलेस का मतलब? हमने देखा था क्या सर्वरलेस टर्म पहले? मैंने देखा नहीं सर देखा था, सर्वरलेस राइट? नहीं देखा था ठीक है ठीक है, चलो सर्वरलेस क्या है देखो। ठीक है, बेसिकली आपको अगर स्पार्क में क्लस्टर वगैरह आपको पता है ना, व्हाट इज क्लस्टर एंड ऑल, यू डू द स्पार्क सबमिट, वो सब ऑप्शन पता है आपको? स्पार्क में पढ़ा है आपने व्हाट इज स्पार्क सबमिट एंड ऑल? जी क्लस्टर प्रोविजनिंग वगैरह पता है आपको? नहीं पता है? क्लस्टर मतलब तो पता है, क्लस्टर का मतलब पता है क्या? यस 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 ठीक है, मतलब तो देखो कोई भी ना, सर्वरलेस का मतलब क्या है बताए क्या? इन शॉर्ट, इन क्लाउड बेस्ड इकोसिस्टम, कि आपको प्रोविजनिंग बहुत मिनिमम करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब आप हम जो EMR पढ़ेंगे ना, EMR एक प्रोविजनिंग सर्विस है। ठीक है, उसमें EMR सर्वरलेस का भी ऑप्शन आया है अभी नया, लेकिन जनरल पार्लांस में हम लोग अगर बात करेंगे ना, तो EMR का जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो EMR में हम लोग क्लस्टर्स प्रोविजन करते हैं। ठीक है, तो यू नीड टू क्रिएट अ क्लस्टर वेयर वेयर इन यू विल हैव टू प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ मेनी क्लस्टर नोड्स यू वांट, दैट इज EC2 इंस्टेंसेस दैट विल बी हॉरिजॉन्टली रनिंग टू अवेल द पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कितने चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, आपके रिलेटेड टू नेटवर्क सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक VPC, सबनेट, वो सब चीजें होंगी, स्टोरेज आप कॉन्फिगर करोगे, कितनी कंप्यूट पावर देनी है, ये सब चीजें है ना, आप जब खुद करते हो, व्हेन यू प्रोवाइड इट टू AWS, एंड AWS जस्ट टेक्स द इनपुट फ्रॉम योर एंड एंड अलोकेट द रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू इट। इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। समझ में आ रहा है क्या? प्रोविजन, प्रोविजन का सिंपल इंग्लिश टर्म है प्रोविजनिंग। तो कोई भी चीजों की अगर रिक्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से वो हमें देगा। लेकिन सर्वरलेस जो भी आजकल फीचर्स आ रहे हैं सारी सर्विसेज पे, व्हाट इट इज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेरी रिक्वायरमेंट्स और योर जॉब रिक्वायरमेंट्स, इट इज प्रोवाइडिंग कंप्यूट पावर। मतलब कौन कर रहा है ये सब चीजें इंटेलिजेंटली? AWS कर रहा है खुद की तरफ से। समझ में आ रहा है ये चीजें? यू डोंट हैव टू प्रोवाइड स्पेसिफिकेशंस फॉर एनी क्लस्टर और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, AWS के बैकग्राउंड में कंप्यूट क्लस्टर शुरू है,
when you use a serverless service, when you query using a serverless service, it goes to the AWS provision cluster, okay, in background, where you don't have control over where, so how many, so in general, you do have a control, like in a service like Glue, where you can choose how many DPU power you want to consume, ठीक है, लेकिन in general बोलते हैं हम लोग कि बाकी चीजें cluster oriented बाकी चीजें होती है उस पे आपका control नहीं रहता, ठीक है, तो इसकी ना clarity हमें ना जब हम लोग provisioning देखेंगे ना उस time पे आएगी, ठीक है, अभी के लिए serverless का मतलब यही समझ लो कि you don't have to provision a cluster, समझ में आ रहा है? Yes. तो मतलब हम लोग अभी जब क्वेरी करेंगे आपको एक थॉट आना चाहिए कि हम लोग क्वेरी तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि अथेना में जो क्वेरी होती है पैरेलल प्रोसेसिंग होती है स्पीड इसकी वजह से ही अचीव होती है या फिर स्पार्क पाई स्पार्क और स्पार्क सीक्वल जब यूज करते हैं वो भी पैरेलल प्रोसेसिंग अवेल कर रहे हैं तो वेयर इज द क्लस्टर देन वो डाउट नहीं आना चाहिए ठीक है एज इट इज अ सर्वरलेस सर्विस The cluster will be with AWS and AWS single-handedly takes care of everything for you. ठीक है? तो आपको एक ऐसे question नहीं आया होगा क्या? कि serverless provisioning से महंगी होगी या सस्ती होगी? अगर एक provisioning service है और एक serverless service है, तो कौन सी महंगी होंगी in general for similar type of application? Serverless महंगी होगी, right? Serverless. लेकिन पता है क्या ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ठीक है इसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जब आप ना सिंपल टर्म्स में सोचते हो एज इट इज मोर लोड टू AWS सर्वरलेस विल बी मोर इट विल चार्ज मोर फॉर सर्वरलेस बट सर्वरलेस हैज सर्टन कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज की सॉर्ट ऑफ सस्पेंडेड कंप्यूट बोलते हैं हम लोग कि अगर आप जिस अभी क्वेरी कर रहे हो ना पर क्वेरी चार्ज लग रहा है अगर आप कोई क्लस्टर प्रोविजन करते हो ना तो आपको एक टाइम बेस्ड चार्ज लगता है ठीक है तो डिपेंडिंग ऑन सिनारियोस इट वैरीज द होल कॉस्ट ऑफ एनी यूसेज ऑफ सर्विस इट वैरीज फ्रॉम सिनारियो टू सिनारियो ठीक है ऐसे आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि सर्वरलेस महंगा है और प्रोविजनिंग सस्ता पड़ता है फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजनिंग इज चीपर बट फॉर शॉर्ट टर्म नीड सर्वरलेस इज वे चीपर समझ में आ रहा है क्योंकि आप अगर कोई भी चीज को प्रोविजन करते हो शॉर्ट टाइम के लिए यू आर फ्रीजिंग दोज रिसोर्सेज फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली जो 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 टाइम के लिए वो चीज यूज नहीं हो रही है दैट इज वेस्टेज राइट अगर आपने दो घंटे के लिए कोई क्लस्टर प्रोविजन किया है और सिर्फ आपका जॉब 15 मिनट के लिए रन हो रहा है तो आपने रिसोर्सेस तो दो घंटे के लिए फ्रीज किए देन यू विल बी चार्ज फॉर 2 आवर्स राइट समझ में आ रहा है yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. में क्या होता है इफ यू आर क्वेरिंग फॉर 15 मिनट्स ना तो आपको 15 मिनट्स के लिए ही चार्ज होगा समझ में आ रहा है बट द चार्जेस विल बी ऑफकोर्स मोर इन केस ऑफ सर्वरलेस बट ओवरऑल सिनारियो जब देखोगे तो 15 मिनट का चार्ज विल नॉट बी मोर देन द 2 आवर ऑफ फ्रीजिंग पीरियड फॉर प्रोविजन क्लस्टर ठीक है तो ऐसे सिनारियो टू सिनारियो ना कॉस्ट मॉडल मतलब कॉस्टिंग चेंज हो जाता है ठीक है तो इट डिपेंड्स ऑन द यूज केसेस दैट यू हैव वेयर इन यू विल टेक अ डिसीजन टू चूज अ सर्वरलेस सर्विस और अ प्रोविजन सर्विस ठीक है तो ये डिबेट तो अथेना के लिए जाने दो ग्लू और ईएमआर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो लोग बोलते हैं कि ईएमआर से बेटर ग्लू प्रोवाइड करता है लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्लस्टर प्रोविजनिंग में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ईएमआर प्रोडक्शन क्लस्टर यूज करते हैं ठीक है हम लोग ना अभी के लिए आपको ज्यादा क्या बोलते हो ये सिर के ऊपर से जा सकता है दैट्स व्हाई आई विल नॉट ड्वेल इनटू इट जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग की वॉट इज सर्वरलेस क्वेरी ठीक है कि जो भी कंप्यूट रिसोर्सेस की बैकग्राउंड में चीजें है वो दोज आर टेकन केयर बाय AWS ठीक है इतना ही जानना है ठीक है तो वॉट इज सर्वरलेस मैनेज सर्विस
AWS where AWS takes care of cluster resources. ठीक है, तो सर्वरलेस का मतलब ये है, ये कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये डिबेट को EMR और ग्लू के बाद एक बार फिर से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। अगर किसी को आपकी आर्किटेक्चरल एबिलिटी चेक करनी है, डिजाइनिंग एबिलिटी चेक करनी है, दे डू गिव यू सिनारियो वेयर दिस इज टाइप ऑफ लोड वी हैव, सो व्हाट विच सर्विस विल बी मोर सूटेबल, शुड वी यूज ग्लू, शुड वी यूज EMR और शुड वी डू ELT ऑन रेड शिफ्ट। सो ऐसी चीजें ना हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। एक बेसिक्स के आगे चले जाएंगे ना हम लोग, ये कॉम्प्लेक्स चीजों का एड्रेस कर पाएंगे। वेन यू स्टडी ऑन योर ओन, बिल्ड अ कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑन योर ओन, उसके बाद ये चीजें डिस्कस करने में मजा है, ठीक है। तो अथेना एक बेसिक क्वेरी सर्विस है विच हैज कैपेबिलिटी टू क्वेरी डेटा फ्रॉम S3, ठीक है। मतलब आपको ये पता है क्या, एक्सटर्नल टेबल इंटरनल टेबल्स वगैरह पता है क्या? आपने हाइव पढ़ा है क्या? नो स्पार्क में एक्सटर्नल टेबल बताया है क्या सर ने? ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। तो मैं बेसिक इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर इट ऑन योर ओन एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ माई सिलेबस, ठीक है। तो मैं एक आपके हेल्प के लिए एक बेसिक इंट्रो दे दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सटर्नल टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन फीचर्स क्या है AWS Athena के? एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर है एज वी डिस्कस जस्ट नाउ, इट हैज अ वेरी गुड इंटीग्रेशन विद S3, यू कैन डायरेक्टली क्रिएट टेबल फॉर द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन S3। माइक ऑन है, माइक ऑन है क्या किसी का? डिस्टर्बेंस आ रहा था। ओके ठीक है, आते हम लोग। हाँ, तो इट हैज वेरी गुड इंटीग्रेशन विद S3। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इफ यू हैव अ डेटा स्टोर्ड इन S3, यू विल बी एबल टू क्वेरी इट यूजिंग Athena विदाउट मूविंग इट टू Athena, ठीक है। Athena डजंट हैव इट्स ओन स्टोरेज एज सच, ठीक है। तो आप डेटा आपका S3 में ही रहेगा, you will create a schema in Athena and you will create an external table, मतलब वही schema होगा आपका, table schema, you will source the data by providing the location of S3, ठीक है। ये क्या चीज है, ऐसे कैसे होता है कि एक स्टोरेज में डेटा है और हम लोग यहाँ पे सोर्स कर रहे हैं विदाउट मूविंग द डेटा, वो क्या है आपको समझ में आ जाएगा। HDFS वगैरह के बारे में सुना है आपने, राइट? Yes. HDFS के बारे में, ठीक है, चलो। तो ये एक स्टैंडर्ड SQL सपोर्ट देता है, नाउ नॉट जस्ट स्टैंडर्ड SQL सपोर्ट बट ऑल्सो प्रोवाइड्स PySpark एंड Spark SQL सपोर्ट ऑल्सो। अभी नोटबुक इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, ठीक है। तो आप Spark भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे ना Athena में पेपर क्वेरी प्राइसिंग है, जितनी क्वेरीज फायर करोगे डिपेंडिंग ऑन द DPU पावर यू आर कंज्यूमिंग, हाउ इट डिसाइड्स व्हाट इज द DPU पावर इट इज यूजिंग, इट डिपेंड्स ऑन क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर क्वेरी। इन अ वे कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स नॉट जस्ट हाउ मेनी ट्रांसफॉर्मेशन और समथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग दैट आर बीइंग परफॉर्म, बट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑल्सो, हाउ योर सोर्स डेटा, तो कितना हैवी है आपका सोर्स डेटा, उसके हिसाब से प्राइसिंग लगती है। लेकिन ये पेपर क्वेरी है, ठीक है, और इट हैज कंपैटिबिलिटी विद वेरियस डेटा फॉर्मेट। सो बहुत सारे डेटा फॉर्मेट लाइक एवरो वगैरह भी, एवरो ORC वगैरह भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके मेन फीचर। तो हमने अभी देखा कि क्वेरी ऑप्शंस आपके SQL क्वेरी भी कर सकते हो या PySpark और Spark SQL क्वेरी भी कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो इनटू कंसोल, वी विल हैव एन ओवरव्यू ओवर इट, ठीक है। दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर Athena, ठीक है। तो यू हैव टू ऑप्शंस,
क्वेरी योर डेटा यूजिंग ट्रीनो सिक्वल, मतलब ये सिक्वल एडिटर है आपका, एंड दिस इज एनालाइज डेटा यूजिंग पाइस्पार्क एंड स्पार्क सिक्वल, ठीक है, ये नोटबुक एडिटर है, ठीक है. तो विल स्टार्ट विथ सिक्वल पार्ट, ठीक है, लॉन्च क्वेरी एडिटर, ठीक है. तो मेरा पहले से ही लॉन्च्ड है, ठीक है. तो लेकिन इसमें ना मैं एक चीज सिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे वर्क ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है. व्हाट आर वर्क ग्रुप, यहाँ पे वर्क ग्रुप दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है आपको. तो वर्क ग्रुप क्या है, एक आइसोलेटेड सॉर्ट ऑफ क्या बोल सकते हो, कंटेनर बोल सकते हो आप, एक आइसोलेटेड कंटेनर है जहां पे आप चीजें प्रोविजन कर सकते हो. यू विल फायर क्वेरीज, ठीक है. तो क्या कर सकते हो, इफ यू हैव मल्टीपल वर्क ग्रुप्स, इट डजंट इंटरफेयर विद ईच अदर, ठीक है. अभी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड देर आर डिफरेंट टीम्स हु आर यूजिंग अथेना, सो ईच टीम विल हैव देयर ओन सेट ऑफ टेबल्स, ओन सेट ऑफ थिंग्स, एंड यू डू नॉट वॉन्ट अदर टीम टू इंटरफेयर विद इट, सो यू विल मैनेज द परमिशंस बेस्ड ऑन इट, राइट. तो अगर मैं डेवलपर हूँ, डेटा डेवलपर हूँ, तो मेरा एक डेवलपर का वर्क ग्रुप है और एक टेस्टर है, उसका टेस्टर का वर्क ग्रुप है. यू डोंट वॉन्ट अ टेस्टर टू एक्सेस अ वर्क ग्रुप ऑफ डेवलपर्स, राइट. सो यू कैन मैनेज द परमिशंस बेस्ड ऑन दैट, ठीक है. तो वर्क ग्रुप की यूटिलिटी वो है, ठीक है. इन अ वर्क ग्रुप यू कैन डू सम कॉन्फिगरेशंस, प्रोवाइड एक्सेस टू सर्टन रिसोर्सेज यूजिंग रोल्स एंड ऑल, ठीक है, वो कर सकते हो, ठीक है. और आपकी जो ये सारी चीजें दिखेगी ना आपको, ये रिलेटेड टू वर्क ग्रुप रहेगी. तो दिस इज योर होल इंटरफेस फॉर योर वर्क ग्रुप. व्हेन यू चेंज वर्क ग्रुप यू विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ टेबल दैट आर रिलेटेड टू दैट वर्क. ये समझ में आया क्या, वर्क ग्रुप क्या होता है? यस सर, कोई समझा सकता है मुझे, सो दैट एवरीवन विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग? हेलो सर, मैं यस या वर्क ग्रुप इज द वन ऑफ अ कंटेनर व्हिच एक्ट्स एज अ परमिशन, मींस गेटिंग टू परमिशन टू पर्टिकुलर ग्रुप. इट आल्सो डिफरेंशिएट द वेरियस ग्रुप्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टेबल. ओके, एनीवन एल्स, कोई और बता सकते हैं और कुछ पॉइंट्स? यस बोलो. या बोलो बोलो. व्हेन वी विल यूज वर्क ग्रुप देन द परमिशंस व्हिच आर ग्रांटेड फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस दे कैन यूज इट प्रॉपरली सो दैट अनदर ग्रुप विल नॉट इंटरफेयर इन देयर वर्क वर्क. यस, इट विल प्रोवाइड आइसोलेशन, ठीक है. यस ओके, ठीक है. तो बाकी लोगों को समझ में आया क्या वो ग्रुप क्या है एंड व्हाट इज इट्स यूटिलिटी? हम लोग ना बाकी जब देखो कोई भी ना क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम है ना, एज इट इज अ सर्वरलेस सर्विस, ठीक है. तो यहाँ पे वर्क ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, तो आइसोलेटेड सॉर्ट ऑफ कंप्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है. यू कैन सेट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंप्यूट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क ग्रुप ऑल्सो, ठीक है. ये सर्वरलेस सर्विस का कॉन्सेप्ट है. व्हेन वी विल गो इन टू नो ग्लू में तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये सर्वरलेस का ही कॉन्सेप्ट है. व्हेन यू सी प्रोविजन सर्विसेज नो, तो उसमें आपको वर्क ग्रुप की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें आप डिफरेंट क्लस्टर ही क्रिएट कर देते हो अपनी अपनी यूटिलिटी के हिसाब से, ठीक है. तो वर्क ग्रुप एक सॉर्ट ऑफ सर्वरलेस सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है, वेयर यू आर यूजिंग इट फॉर नेटवर्क आइसोलेशन एंड प्रोवाइडिंग क्या बोल सकते हो स्पेसिफिक परमिशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दो सेट ऑफ क्वेरीज ओनली, ठीक है. तो ये इंटरफेस यू हैव द ऑप्शन टू क्रिएट अ वर्क ग्रुप फ्रॉम यूर, यू कैन क्रिएट इट, ठीक है. कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है. ये आप पहली बार करोगे तो आपको शायद वर्क ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, मेरे इसमें तो क्रिएटेड ही है. डेटा साइंस वर्क का नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे. यू कैन चूज एनालिटिकल इंजन वेदर यू वॉन्ट टू यूज पाइस्पार्क और सिक्वल, आई एम चूजिंग सिक्वल फॉर नाउ. अपग्रेड क्वेरी इंजन, यस इट इज बेटर ऑटोमेटिकली अगर कोई नया वर्जन आता है तो. और बाकी तो ऑप्शनल चीजें हैं. हाँ, यहाँ पे देखो
यहाँ पे आपको चीजें मिल रही है कि आप अगर एक वर्क ग्रुप प्रोविजन कर रहे हो ना, तो यू कैन सेट लोकेशन फॉर योर क्वेरी रिजल्ट ऑल्सो. ठीक है, हाउ टू सेट अ लोकेशन फॉर क्वेरी रिजल्ट इन जनरल वर्क ग्रुप आपका प्रोविजन होने के बाद भी चेंज कर सकते हो. हाउ टू डू इट आई विल शो यू, बट वेन यू आर प्रोविजनिंग इट यू कैन चूज अ लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू स्टोर दोज क्वेरी रिजल्ट. ठीक है, तो मैंने अगर ये चूज कर लिया तो एक मुझे ना किसी इसका लोकेशन देना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ डायरेक्टरी का. जस्ट अ सेकेंड, क्या है इसमें, तो आई विल चूज दिस थिंग. ओके, तो ठीक है, तो देख लो सिर्फ प्रीफिक्स देना है या S3 बकेट का नाम भी देना है, ये देख लो. हम लोग, मैंने तो ऐसे दे दिया अभी. ठीक है, ठीक है, क्वेरी रिजल्ट्स को एनक्रिप्ट करना है, यानी दो ऑप्शंस आर देयर. ठीक है, यू कैन लुक एट ऑल द ऑप्शंस, नॉट नेसेसरीली यू हैव टू परफॉर्म इट. ठीक है, ठीक है, ये भी कुछ एज सच यूजफुल नहीं है. ठीक है, देखो इतने प्रोविजिंग हम खुद करते ही नहीं है. ठीक है, ना तो यूज ही नहीं करेंगे हम लोग ज्यादा, बेसिक वैलिडेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे. सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन ऑन योर ओन, पर क्वेरी डेटा यूसेज कंट्रोल एंड ऑल. ये क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो यू कैन हैव अ लुक एट इट. ठीक है, आई एम नॉट प्रोविजनिंग एनीथिंग, आई एम कीपिंग इट एज डिफॉल्ट. ठीक है, और क्या है, नथिंग. ठीक है, चलो वर्क ग्रुप क्रिएट हो गया अभी. ठीक है, सो जस्ट क्रिएट अ वर्क ग्रुप और उसमें क्वेरी करना स्टार्ट करो. ठीक है, सो अभी वर्क ग्रुप क्रिएट किया है तो आई हैव ऑप्शन टू सिलेक्ट अ डेटा साइंस. तो देखो अभी मेरे पीछे वाले जो भी क्वेरीज है आई एम नॉट एबल टू सी इट. ठीक है, आई एम एबल टू सी द टेबल. ठीक है, लेकिन क्वेरीज जो है दोज आर स्पेसिफिक टू दिस वर्क ग्रुप. ठीक है, रिसेंट क्वेरीज भी नहीं दिख रही है, सेव्ड क्वेरीज भी नहीं दिख रही है. अगर आप सेटिंग में जाओगे ना, ओके, ठीक है, तो इसके लिए क्वेरी रिजल्ट लोकेशन मैंने यहां से डिफॉल्ट किया है. ठीक है, तो ये वर्क ग्रुप के लिए सेट नहीं हुआ है कि फिर. ओके, तो यहां से भी आप आपके क्वेरी का रिजल्ट लोकेशन सेट कर सकते हो. ठीक है, तो मेरा अभी बाय डिफॉल्ट अथेना की सेटिंग इस क्वेरी इस बकेट में है. ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि डेटा साइंस के लिए वो सेट क्यों नहीं हुआ है. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं हुआ है. वो ओवरराइड होता है या नहीं, एक बार चेक कर लो. ठीक है, जब आप क्वेरी सॉरी वर्क ग्रुप क्रिएट करोगे ना, और एग्जिस्टिंग वर्क ग्रुप में अगर ये लोकेशन डिफॉल्ट सेट है तो चेंज होता है क्या नहीं देख लो. अभी तो हो नहीं रहा है चेंज. ठीक है, व्हेन आई एम चेंजिंग वर्क ग्रुप दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक. ठीक है, मुझे कौन बता सकता है कल ये वेरीफाई करके, हु कैन टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एटलीस्ट ट्राई करूंगा मेरे एंड से. एनीवन, मैंने क्या बोला समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आया ना, तो ट्राई तो करो यार. हाँ बोल के ट्राई तो करो, कल मैं बताऊंगा करके. हाँ तो बोलो, व्हाई डोंट यू गाइस टेक अप एनी चैलेंज. हेलो सब सर. चीजें क्लास में नहीं बताई जा सकती है, राइट? हाँ बोलो. और यहाँ पे सर जो दिख रहा है ना, क्वेरी रिजल्ट एंड इंक्रिप्शन सेटिंग, तो यहाँ पे असाइन बकेट ओनर फुल कंट्रोल ओवर क्वेरी, यहाँ पे टर्न्ड ऑफ लिखा है. तो मुझे यहाँ पे पता करना था कि टर्न्ड ऑफ का मतलब क्या है, मैं क्यों यहाँ पे टर्न ऑफ आ रहा है. यार ये कोई ऐसी असाइन बकेट ऑन ऑफ कंट्रोल टर्न ऑन कर दो, करना है तो ये ऑप्शन है ना, असाइन बकेट ऑन ऑफ फुल कंट्रोल ओवर क्वेरी रिजल्ट्स.
if you want to select this option, explore this option. Okay, enabling this option grants the owner of ST query result bucket full control over SQL queries. This means that if your query result location is owned by another account, you can grant full control over the query result to the other account. मीन्स अभी हमने सर अदर ग्रुप के लिए किया था ना, तो यहाँ पे असाइन बकेट का यहाँ पे अनेबल करेंगे तो वो रन हो जाएगा ना शायद, मीन्स Yes. ये देखो, ये पढ़ो एक बार आप. दिस मीन्स दैट इफ योर क्वेरी रिजल्ट लोकेशन इज ओन बाय अनदर अकाउंट, यू ग्रांट फुल कंट्रोल ओवर योर क्वेरी रिजल्ट टू द अदर अकाउंट. ये अदर अकाउंट के लिए है. ठीक है, सो ठीक है, चलो ट्राई करते हैं. आप जो बोल रहे हो डेटा साइंस सेटिंग्स मैनेज करते हैं, लेकिन क्रिएशन के टाइम पे तो ये किया नहीं है आप. एक सेकेंड, ठीक है, चलो अभी इसका क्वेरी लोकेशन चेंज करते हैं. हम क्या किया था हमने, चलो ये कर लेते हैं, वेदर आई हैव अ डिफरेंट लोकेशन और नॉट. ओके, अपडेट ही तो नहीं हुआ. वाई हमने सिलेक्ट किया था ना अभी, पहले सर, हमने डेटा का सिलेक्ट किया था पहले, उसके पहले कहाँ पे जब क्रिएट कर रहे थे तब क्या किया था हमने? हाँ डेटा का किया था सर, डेटा का लोकेशन सिलेक्ट किया था हमने. हाँ डेटा का किया था, अभी हमने ओके फाइनल आउटपुट का किया है। ओके ओके, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम लोग एक बार फिर से क्रिएट करके देखते हैं. आई माइट हैव मिस्ड समथिंग. ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कहाँ था वो ऑप्शन. क्वेरी रिजल्ट ही तो बोल रहे हैं ना ये, लोकेशन ऑफ योर क्वेरी रिजल्ट. क्वेरी रिजल्ट विल बी सेव एज एन ऑब्जेक्ट ना. आपको डेटा कहाँ पे दिखा था? जब आपने सिलेक्ट किया था ना कैप ब्लू वगैरह उस लिस्ट में से, वहां पे आपने डेटा का सिलेक्ट किया। अरे वो ठीक है यार, वो तो बकेट के फोल्डर्स है ना, हाँ पर फोल्डर का नाम कुछ भी हो, आप आउटपुट लिख रहे हो तो हाउ डज दैट मैटर, दैट इज अ लोकेशन. बट दिस इज फॉर स्टोरिंग क्वेरी रिजल्ट, राइट? ओके ठीक है, अभी के लिए ये छोड़ दो चीज, मैं जो बोल रहा हूँ देखो. विल लुक इन टू इट, क्यों क्यों अपडेट नहीं हो रहा है बाद में. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप खुद से एक्सप्लोर करो कि हमने जो अभी किया तो क्वेरी लोकेशन चेंज क्यों नहीं हो रहा है. ठीक है, एटलीस्ट एक कोई बंदा तो कल मुझे बताए, इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक यस है, तो हम लोग कहाँ थे, व्हाट व्हाट वी आर डिस्कसिंग. हाँ, वर्क ग्रुप क्रिएट करना है. हाँ, तो एवरी क्वेरी यू आर परफॉर्मिंग नो, इट विल बी एसोसिएटेड विथ वन वर्क ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप डेटा सोर्सेज के ऑप्शन में ना, देर आर डिफरेंट डेटा सोर्सेज ऑप्शन. अभी के लिए सिर्फ AWS डेटा कैटेलॉग है. तो वॉट इज AWS डेटा कैटलॉग, दैट विल सी वेन विल स्टडी अबाउट ग्लू. तो ग्लू में क्या करते हैं हम लोग, अथेना इज यूज टू क्वेरी S3 डेटा, राइट? तो यहाँ पे हम लोग S3 से डायरेक्टली टेबल क्रिएट करके डेटा क्वेरी कर रहे हैं. ठीक है, मतलब वी आर डिफाइनिंग द टेबल यहाँ पे. लेकिन वेन वी आर यूजिंग ग्लू नो, देर इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉलर. क्रॉलर क्या करता है कि आपके जो S3 के लोकेशन में डेटा से वो मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करता है. इट क्रिएट्स अ लॉजिकल टेबल इन ग्लू इन AWS डेटा कैटलॉग. ठीक है, वो AWS डेटा कैटलॉग एंड दैट डेटाबेस एंड द टेबल दैट वी आर क्रिएटिंग यूजिंग क्रॉलर इन ग्लू नो, वी आर यूजिंग इट इन अथेना टू क्वेरी द डेटा इन S3. सो दैट इज वन वे टू डू इट. एंड देर इज अनादर वे, डायरेक्टली क्वेरी वेन यू सिलेक्ट दिस क्रिएट ऑप्शन एंड क्रिएट अ टेबल फ्रॉम डेटा सोर्स. सो देखो यहाँ पे दो सोर्सेज दिख रहे हैं आपको, एक है S3 बकेट डेटा और एक है AWS ब्लू ब्लू क्लॉक ब्लू क्रॉलर. अभी जो मैंने बताया ब्लू क्रॉलर से कैसे करना है, ठीक है, वो ग्लू में देखेंगे हम लोग. लेकिन दिस ऑप्शन इज टू क्वेरी डेटा फ्रॉम S3 बकेट डायरेक्टली. ठीक है, तो व्हाट व्हाट वी डू इज,
वी क्रिएट अ टेबल, ठीक है, तो हम लोग ना एक सेल्स का टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो यार मुझे आगे की चीजें लेनी थी। हाँ ठीक है, चलो सेल्स का टेबल बनाएंगे, ठीक है। इफ यू हैव एग्जिस्टिंग डेटाबेस यू कैन चूज इट दैट, अदरवाइज यू यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है। यहाँ से क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन है, जस्ट गिव अ नेम। ये कोई, ये सिर्फ लॉजिकल डेटाबेसेस है, इसका कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आप ब्लू में भी देखोगे ना तो उसमें भी लॉजिकल टेबल्स और लॉजिकल डेटाबेसेस ही होते हैं, ठीक है। तो S3DB करके मेरा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, आई एम चूजिंग दैट लोकेशन ऑफ इनपुट डेटा से। तो मैं अभी EMRI में एक सेल्स नाम की है फाइल है, तो आई विल बी चूजिंग दैट। तो इसमें ना आपको अपर डायरेक्टरी यूज करनी होती है, ठीक है। तो इट विल फेच ऑल द फाइल्स इनसाइड दिस डेटा। तो अगर आप, आपके एक फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स है विच हैव डिफरेंट स्कीमा, दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या? अभी देखो, अभी आप जो डेटा पाथ सेट कर रहे हो ना, दैट इज स्टिल दिस डायरेक्टरी, राइट? यू आर नॉट चूजिंग अ फाइल डायरेक्टरी, ठीक है। अगर आप ये डेटा के फोल्डर को चूज कर रहे हो, लेकिन डेटा के अंदर डिफरेंट फाइल्स है, सिर्फ सेल्स फाइल्स नहीं है, सेल्स की फाइल नहीं है, एंड देर आर सर्टेन फाइल्स विच हैव डिफरेंट स्कीमा देन सेल्स फाइल, ठीक है। तो जब ये सोर्स करेगा अथेना, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि विच फाइल टू पिक। एंड इफ यू हैव नंबर ऑफ फाइल्स विद सेम स्कीमा, इट विल मर्ज दोस फाइल्स एंड फेच इट, ठीक है। लेकिन एक प्री कंडीशन क्या है, बस ये डेटा वाले फोल्डर जो भी दे रहे हो ना पाथ, इसके अंदर जो भी फाइल्स है उसका एटलीस्ट स्कीमा सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर डिफरेंट स्कीमा है तो वो एरर्स देता है, ठीक है। तो आई विल चूज दिस वन, या तो ये लोकेशन ऑफ इनपुट पाथ, ये देखो यहाँ पे जब सिलेक्ट कर रहे थे ना हम लोग, तो इतना ही दिया था, लेकिन हमें इसके अंदर का डेटा चाहिए, तो आई एम प्रोवाइडिंग वन मोर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ओके, तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, ठीक है। टेबल टाइप विल बी हाइव टेबल, ठीक है। देर आर डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। देखो, आइसबर्ग है, लेक फॉर्मेशन गवर्न टेबल है, डेल्टा लेक है। दिस इज नथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। डेल्टा लेक वगैरह हमें नहीं लर्न करना, सिर्फ अपाचे हाइव टेबल क्रिएट करेंगे हम। फाइल फॉर्मेट क्या है हमारा, CSV है, राइट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ना, ये जो चीजें है ना, सर्डे वगैरह, सीरियलाइजर डिसीरियलाइजर, ये आपको हाइव अगर जब पढ़ाया होगा, या फिर स्पार्क में ये सर्डे प्रॉपर्टीज वगैरह वहां पे पढ़ाई गई हो, या फिर आपको ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा, व्हाट आर दिस सर्डे लाइब्रेरीज, हाइव टेबल के सिंटैक्सेस, अगर थोड़ा बहुत देखना है ना तो देख लो, ठीक है। तो मैं थोड़ा अभी आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि व्हाट टू लुक फॉर इसके बाद, ये क्रिएट करने के बाद, और आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो ये तो हाइव और स्पार्क की चीज हो गई थी, तो ये ऑटोमेटिक डिलिमिटर चूज कर रहा है। इफ यू आर चूजिंग ओपन सीएस विद सर्डे, एक दूसरा सर्डे फॉर्मेट है, इसमें यू कैन चूज मल्टीपल डिलिमिटर्स और यू कैन ऐड मोर डिलिमिटर ऑल्सो, ठीक है। सो एज आर फाइल इज कॉमा सेपरेटेड, आई एम चूजिंग अ लेजी सिंपल सर्डे, ठीक है। फिल डॉट डिलिमिट इज कॉमा, ठीक है। जब आप ये टेबल क्रिएट होगा ना सिंटेक्स, उसमें एक प्रॉपर्टी आएगी, सर्डे प्रॉपर्टी, फिल डॉट डिलिमिट, उसमें कॉमा आएगा, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी यहाँ पे ना आपको सारे कॉलम्स देने पड़ते हैं, जो भी आपके फाइल में कॉलम्स है ना वो सारे देने हैं। तो मेरे फाइल में बहुत सारे कॉलम हैं, तो आई विल ऐड बल्क ऐड कॉलम्स, ठीक है। तो कैसे देने हैं कॉलम, कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप कॉमा कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप। तो मेरी फाइल डाउनलोडेड है, ठीक है। तो आई विल कॉपी द स्कीमा फ्रॉम हियर, रीजन क्या है, स्ट्रिंग,
country is also string. हाँ, और जो नाम दे रहे हो ना टेबल के, दिस कैन नॉट बी, दिस शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस और समथिंग लाइक दैट, तो अंडरस्कोर दे दो. आइटम टाइप. यहाँ पर ये भी स्ट्रिंग है. दिस वन इज बिगिन. स्ट्रिंग. मैपिंग करेक्ट रहना बहुत जरूरी है. ऑर्डर मैटर करेगा, आपकी फाइल और आप जो कॉलम इंसर्ट कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो, तब वो मैटर करता है. ठीक है, इट विल डायरेक्टली मैप इट टू दैट, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर. ठीक है, जब आप वेरी करोगे. सेनर स्ट्रिंग ऑर्डर, ऑर्डर पैरिटी इज ऑल्सो स्ट्रिंग. यहाँ पे डेट वगैरह नहीं ले रहे हम लोग, अभी स्ट्रिंग ही रखेंगे इसको. यूनिट सोल्ड ऑल्सो एंड प्राइस फ्लोट है और कुछ फ्लोट भी होती है. यस ठीक है, टोटल रेवेन्यू भी फ्लोट होगा. कॉस्ट टोटल प्रॉफिट की फ्लो. ठीक है, कॉपी करते हैं हम लोग. आर वी कंप्लाइंग टू द फॉर्मेट, कर रहे हैं हम लोग. कॉलम जिन नेम वैल्यू पेयर यूजिंग कॉमास टू सेपरेट डेफिनेशन. ठीक है, क्या है क्या हमने बराबर देख लो एक बार. आप भी रीजन स्ट्रिंग, कंट्री स्ट्रिंग, आइटम टाइप स्ट्रिंग, सेनो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑर्डर, डेट बिगिन, स्किप डेट, स्ट्रिंग यूनिट सोल्ड एंड. ओके, राइट. यूनिट सोल्ड एंटी एप्लीकेशन. सर वो टोटल रिवेन्यू के पहले स्पेस दिखाई दे रहा है फ्लोट यहाँ पे क्या? ओके और हाँ. ठीक, और कुछ करेक्ट है क्या बाकी? ठीक हाँ सर है, लेट्स सी. पेरेंथेसिस हाँ, यू विल बी एबल टू वेरीफाई हियर आल्सो. अभी हम लोग ने बल्क ऐड किया है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. जैसे रीजन स्ट्रिंग है, कंट्री स्ट्रिंग है, आइटम टाइप स्ट्रिंग. ओके, यहाँ पे इशू आया देखो, क्योंकि हमारा एक टैब रह गया था.
select a column, the other says send a string it out. और कहीं पे आ रहा है इशू, ठीक है। आई थिंक कॉलम तो ऐड हो गए हमारे। टेबल प्रॉपर्टीज, डू वी वांट एनी कॉम्प्रेशन? नो एज ऑफ नाउ। हाँ, स्किप हेडर लाइन काउंट, ये क्या है पता है क्या? अगर आपने हाइव पढ़ा होता ना, तो ये टेबल क्रिएशन के सारी चीजें और इसके डिटेल्स, टेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है ये पता होती है, ठीक है। हाइव में टेबल प्रॉपर्टीज करके चीज होती है। इफ यू वांट टू स्किप अ हेडर, तो अब मेरे फाइल में एक हेडर है, तो आई एम स्किपिंग फर्स्ट लाइन ऑफ इट, ठीक है। आई एम प्रोवाइडिंग अ स्कीमा व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल इटसेल्फ, एंड आई एम क्रिएटिंग अ एक्सटर्नल टेबल, सो आई डोंट वांट क्या बोलते हो, हेडर एज अ रिकॉर्ड इन माय डेटा, ठीक है। तो आई एम स्किपिंग दिस फर्स्ट लाइन, ठीक। ये समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? यस स्किप हेडर लाइन का, ठीक है। फर्स्ट लाइन मेरा हेडर है, तो आई एम जस्ट स्किपिंग दैट। पार्टीशन अभी के लिए पार्टीशन रहने दो, बकेटिंग भी रहने दो। ये पता है क्या पार्टीशनिंग, बकेटिंग वगैरह कॉन्सेप्ट पता है आप? पढ़ा है आपने हाइव? बकेटिंग नहीं पता है। बकेटिंग नहीं पता है, ओके ओके। चलो मैं ना आप एक आपको आज थोड़ी एक लिस्ट दे ही देता हूँ कि आपको खुद से पढ़नी है चीजें, ठीक है। हाइव इतना ज्यादा आना जरूरी नहीं है, लेकिन दीज आर द कॉन्सेप्ट विच आर एप्लीकेबल टू स्पार्क ऑल्सो, ठीक है। तो स्पार्क में आपको आई डोंट नो पढ़ाई गई है नहीं, लेकिन आप अब खुद से कर लो, ठीक है। तो हाइव पढ़ाते समय शायद आदित्य सर, मतलब आदित्य सर ने हमें तो पढ़ाया था बकेटिंग वगैरह, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ना आपको दिख रहा है ये प्रीव्यू टेबल क्वेरी, क्वेरी दिख रही है आपको? उसने आपको बना के दी, वी विल क्रिएट अ टेबल, ठीक है। अभी बेस्ड ऑन दिस, ओके, यहाँ पे ऐसे नहीं दे सकते हो, अंडरस्कोर दे देते हैं, ts अंडरस्कोर सेल्स, ठीक है। क्रिएट टेबल, ओके, वी हैव क्रिएटेड द टेबल, ठीक है। इसको मैं ड्रॉप कर दे, ठीक है। हाँ, ये देखो आपको डिटेल दिख रहा है यहाँ पे इसका, ये आपका ये डिटेल डिटेल है। आपने जब जो भी ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं ना, तो उसका ये है आपका टेबल डेफिनेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो एक्सटर्नल टेबल ये क्या होता है, यू आर प्रोवाइडिंग अ लोकेशन फॉर योर डेटा ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, एक्सटर्नल टेबल्स, इंटरनल और मैनेज टेबल्स क्या होते हैं, एक बार हम लोग ना, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स लिख के दे देता हूँ, जस्ट ट्राई टू कवर इट ऑन योर ओन, आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन यू, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, क्या दे सकते हैं हेडिंग, चलो टाइप्स ऑफ टेबल्स इन क्लस्टर इकोसिस्टम, ठीक है। कौन से टाइप्स है? फर्स्ट इज योर इंटरनल और मैनेज्ड टेबल, ठीक है। किसी को पता है क्या, किसी ने खुद से पढ़ा है क्या ये? टेबल, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है बताएगा, हाइव में जब आप ये एक्सटर्नल कीवर्ड यूज नहीं करते हो, ये आपने डिटेल देखा है, व्हेन यू यूज एक्सटर्नल कीवर्ड दिस विल बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल टेबल, अदरवाइज इफ यू डोंट यूज दिस इट विल बी अ इंटरनल और अ मैनेज टेबल, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस डिफरेंस क्या होता है पता है क्या, कि हाइव में ना, हाइव यूजेस फाइल सिस्टम ऑफ हडूप इकोसिस्टम, मतलब HDFS यूज करता है फॉर स्टोरिंग डेटा, लेकिन फॉर स्टोरिंग मेटा डेटा है, इट यूजेस हाइव मेटा स्टोर, ठीक है। तो सिर्फ लिख के दे देता हूँ, हाइव क्या है देख लो आप,
HDFS and I've meta store. ठीक है, खुद देख लो क्या है ये, इसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है. आई विल गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. ठीक है, तो ये क्या होता है, तो जब आप इंटरनल टेबल क्रिएट करते हो ना, तो आप जब टेबल को, तो पूरी ओनरशिप ऑफ दिस इंटरनल टेबल इज विथ हाइव. व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आई विल एक्सप्लेन. डेटा एंड मेटा डेटा इज विथ हाइव इंजिन. ठीक है, ठीक है, तो फुल ओनरशिप रहती है. मतलब क्या है, आप जब एक टेबल को ड्रॉप करते हो ना, व्हेन यू ड्रॉप अ इंटरनल टेबल, बोथ स्ट्रक्चर एंड डेटा इज इरेज्ड, इरेज्ड और डिलीटेड, व्हाट एवर द वर्ड यू आर कंफर्टेबल इन. Deleted, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल टेबल में क्या होता है, द फुल ओनरशिप इज नॉट विद हाइव. ठीक है, ओनरशिप ऑफ मेटा डेटा इज विद हाइव इंजिन बट नॉट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन एच डी एफ एस. ठीक है, एच डी एफ एस में जो डेटा स्टोर्ड होता है उसकी ओनरशिप हाइव की नहीं होती है. ठीक है, दोनों इसमें मेटा डेटा हाइव मेटा स्टोर में स्टोर हो रहा है, और डेटा है ना जो एच डी एफ एस में स्टोर हो रहा है. ठीक है, लेकिन इसमें ओनरशिप दोनों चीजों की हाइव के पास है. दैट्स वाई वेन यू आर ड्रॉपिंग अ टेबल, इट विल बी एबल टू इरेज अ मेटा डेटा एज वेल एज डेटा. ठीक है, लेकिन इस केस में ना सिर्फ मेटा डेटा, मतलब मेटा स्टोर क्या ही एक्सेस हाइव को है. एच डी एफ एस में जो डेटा स्टोर्ड है ना, इट डजंट हैव कंट्रोल ओवर इट. जब इस केस में क्या होता है फिर, कि जब आप व्हेन यू ड्रॉप अ टेबल, टेबल टेबल स्कीमा गेट्स डिलीटेड बट डेटा रिमेन्स इन एच डी एफ एस. समझ में आ रहा है, तो डेटा जो लोकेशन में स्टोर्ड है वो वहीं पे रहता है, जस्ट दैट आपका स्कीमा, मतलब वो टेबल मेटा डेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीजें है ना, आप खुद से देख लो. ठीक है, तो टेबल डेफिनेशन में बाकी के पैरामीटर्स क्या होता है, वॉट इज लोकेशन, वॉट आर टेबल प्रॉपर्टीज, टीबीएल प्रॉपर्टीज, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, ये सब चीजें थोड़ा देख लो. एक कोई वीडियो देख लो 30 मिनट्स का, उसमें आपको समझ में आ जाएगी व्हाट इज एक्सटर्नल टेबल, व्हाट इज इंटरनल टेबल. और मैंने कोई चीज बोली थी ना अभी जो मैं बताने वाला था शायद, एनीवन रिमाइंड मी. आप यस पार्टीशन एंड बकेटिंग, बकेटिंग तो इसको तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम जाएगा. ठीक है, ब्रीफली अगर बोलना है ना, तो पार्टिशनिंग इज डन ऑन कॉलम्स विथ लो कार्डिनलिटी एंड बकेटिंग इज डन ऑन कॉलम्स विथ हाई कार्डिनलिटी. व्हाट डू आई मीन बाय दैट, अगर आपके बहुत सारे यूनिक कॉलम्स है, मतलब एक अगर कोई भी कॉलम है आपका जिसमें 1000 रिकॉर्ड्स है, उसमें 500 यूनिक रिकॉर्ड्स है, दैट मीन्स द कॉलम इज ऑफ हाई कार्डिनलिटी, तो उसमें उस केस में पार्टिशनिंग यूज करना इज नॉट अ प्रिफर्ड चॉइस. व्हाई, क्योंकि एच डी एफ एस में हर पार्टीशन की एक सब डायरेक्टरी बनती है, तो उसमें ना स्मॉल फाइल प्रॉब्लम करके एक चीज होती है, वो आ जाता है. ठीक है, तो ये पार्टिशनिंग हाई कार्डिनलिटी कॉलम पे नहीं करते, जहां पे कॉलम में बहुत ज्यादा यूनिक वैल्यूज होती है, लेकिन देर आर सर्टन कॉलम्स विच हैव लेस यूनिक वैल्यूज. ठीक है, अगर आपका एक पिन कोड नाम का कॉलम है और सिटी नाम का कॉलम है, तो आप
लो कार्डिनलिटी किसी को किसको बोलोगे जिसमें यूनिक वैल्यूज ज्यादा कम है, किसको बोलोगे? सिटी कॉलम है और पिन कोड कॉलम है, किसी को सिटी समझ? को पिन सिटी लो कोड, कार्डिनलिटी है राइट, हाँ पिन बिकॉज कोड इज अ इम्पोर्टेंट, हाई कार्डिनलिटी कॉलम। तो इस यस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी अप्लाई पार्टिशनिंग ऑन सिटी कॉलम एंड वी बकेट कंट्रोल्ड बकेट ऑन पिन जिप कोड, कोड और पिन कोड कॉलम, ठीक है? एंड पार्टिशनिंग कितने पार्टीशन करने हैं इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन यू कैन मेंशन नंबर ऑफ बकेट्स यू वांट टू क्रिएट। व्हाई डू वी डू दैट, व्हाई डू वी डू पार्टिशनिंग, क्यों पार्टिशनिंग यूज करते हैं? टू अचीव प्रेडिकेट पुश डाउन, मतलब आपका फिल्टर इजी हो जाए, ठीक है? तो बकेटिंग का भी सेम ही पर्पज है, बकेटिंग ऑल्सो इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस। हाउ इट डज, हाउ टू डिक्लेयर इट, हाउ टू यूज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी। I felt that you should know about these things, इसीलिए मैंने अभी बता दिया, ठीक है? तो explore these topics, ठीक है? और थोड़ा देख लो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। मैंने ये तो चीजें समझा दी, इसके ऊपर कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत देख लो, हाउ टू क्रिएट इट, व्हाट आर इट्स सिंटैक्सेस, कोई और न्यूआंसेस है क्या, वो देख लो बस, ठीक है? इतना ही है इसमें, आई थिंक आज का टाइम भी खत्म हो गया यार। हम लोग ना इसको, ये डेटा को, ये प्रीव्यू टेबल, ठीक है, ये देखो प्रीव्यू करके देख लेते इसको। ये देखो हमने ना क्वेरी रन की, हमारा टेबल क्या है, डीएस अंडरस्कोर सेल्स, डीबी क्या है, S3 अंडरस्कोर डीबी। ये थोड़े से क्या बोलते हो, अथेना में जो सिक्वल सिंटैक्सेस है वो एचक्यूएल के सिंटैक्सेस है, हाई क्वेरी लैंग्वेजेस। तो इसमें ना थोड़े नुआंसेस को ध्यान में रखो, लाइक यू हैव टू प्रोवाइड क्या बोलते हो, डेटाबेस डॉट समथिंग, और उसको कैसे इन ब्रैकेट्स वगैरह करना है, वो सब चीजें ध्यान में रखो, ठीक है? यस, यू आर एबल टू क्वेरी द रिजल्ट्स। यही है हमारा 5, रीजन, कंट्री, आइटम टाइप, सेल्स चैनल, ऑर्डर प्रायोरिटी, सारी चीजें आ गई है, ठीक है? दिस इज द फाइल दैट वी आर क्वेरी ऑन, ठीक है? सो वी आर एबल टू क्वेरी द डेटा फ्रॉम S3, ठीक है? तो इतना ही डेमोन्स्ट्रेट करना था आज के लिए, कल देखते हैं आगे की चीजें कुछ बची है तो, ठीक है? आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू परफॉर्म दिस थिंग्स, ट्राई इट ऑन योर ओन। देर आर सर्टन फीचर्स लाइक दिस, रिसेंट क्वेरीज, यू कैन सी ऑल योर रिसेंट क्वेरीज, saved queries also you can, if you have saved certain queries, you want to achieve reusability, so you can save a query also, there is an option। जस्ट फिगर आउट ना कहाँ पे है ऑप्शन, सेव का ऑप्शन है यार, देख लो एक बार कहीं पे सेव का ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है? यू कैन सेव द क्वेरी ऑल्सो, आई डोंट सी इट। हाँ सेव है, सेव कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे ना सिर्फ टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हो, आपने जो टेबल फेच किया है अभी, एक्सटर्नल टेबल क्रिएट किया है, आप उस पर एक व्यू भी क्रिएट करके देख लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाउ डू यू क्रिएट अ व्यू, बोलो। क्रिएट व्यू टेम्पलेट यस, मॉडल, टाइप क्रिएट व्यू सिंटैक्स, फेच द डेटा फ्रॉम दिस टेबल, व्हाट एवर वी हैव सीन, डीएस अंडरस्कोर सेल्स, और उसका व्यू भी सेव करो कहीं पे, ट्राई टू क्वेरी ऑन दैट व्यू ऑल्सो, ठीक है? तो ये आपकी एक्सरसाइज है, एक कोई CSV फाइल डंप करो S3 बकेट में, ट्राई टू यूज दिस ऑप्शन ऑफ क्रिएट अ टेबल फ्रॉम S3 बकेट डेटा, प्रोवाइड द स्कीमा, क्रिएट अ टेबल, परफॉर्म क्वेरीज ऑन दैट टेबल, ऑल्सो क्रिएट अ व्यू ऑन दैट टेबल, ठीक है? आफ्टर क्रिएटिंग व्यू, क्वेरी फ्रॉम व्यू ऑल्सो। अंडरस्टूड मैं क्या बता रहा हूँ? मोस्ट ऑफ दी चीजें तो हमने अभी कर ली है, टेबल तो क्रिएट किया, टेबल को क्वेरी किया, एडिशनल चीजें क्या है, व्यू क्रिएट करो और व्यू को क्वेरी करो, बस।
समझ में आया? यस सर, कर पाओगे क्या? यस कर पाओगे? सर, वी विल ट्राई। ओह, वी विल ट्राई। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार, सर यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू से कि कर लेंगे। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, चलता है, ट्राई करो। अगर कुछ दिक्कत आती है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं देखते हैं हम लोग कल क्या करना है। अभी अथेना में आज सच कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अथेना का बाकी का पार्ट है जो AWS ग्लू कैटलॉग की चीजें है, वो हम लोग ग्लू के बाद देखेंगे। जब ग्लू पढ़ेंगे ना, वी वॉन्ट वेन वी वॉन्ट टू क्वेरी द रिजल्ट फ्रॉम ग्लू, जो भी ग्लू की चीजें स्क्रिप्ट है या फिर क्रॉलर यूज किया है उसको जब क्वेरी करना है, तब हम लोग अथेना को रिविजिट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो एट दैट टाइम यू विल गेट क्लैरिटी ओवर सेकेंड डेटा सोर्स, दैट इज योर AWS डेटा कैटलॉग। लेकिन और एक दो ऑप्शन है, रुको यार मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, एक दो ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ठीक है, हाँ यहाँ पे जो ऑप्शंस है, जस्ट टू नो कि वर्क फ्लोज भी डिजाइन कर सकते हो, मतलब आप अथेना की जो क्वेरीज है ना, यू कैन ऑर्केस्ट्रेट यूजिंग स्टेप फंक्शंस, दैट इज बियॉन्ड आर स्कोप एज ऑफ नाउ। लेकिन हम लोग अगर जल्दी खत्म करते हैं चीजें और एयर फ्लो हमारा जल्दी खत्म होता है, वी विल हैव अ लुक एट स्टेप फंक्शंस ऑल्सो। एट दैट टाइम व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑर्केस्ट्रेट वन वर्क फ्लो यूजिंग स्टेप फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन अथेना। ठीक है, अथेना के कोई जॉब को हम लोग वर्क स्टेप फंक्शन के वर्क फ्लो में डालेंगे। ठीक है, तो दिस इज द ऑप्शन दैट यू शुड नो अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट यू कैन ऑर्केस्ट्रेट दिस क्वेरीज यूजिंग योर स्टेप फंक्शन। यार हेवी हो रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर, हेवी हो रहा है क्या? हेवी हुआ मतलब बताओ मुझे, क्या नहीं समझ में आया? ऑर्केस्ट्रेट नहीं समझ में आया, स्टेप फंक्शन नहीं समझ में आया, कि अथेना का जॉब नहीं समझ में आया, बोलो। वो सर आप यहाँ वर्क फ्लोज एंड पावर्ड बाय स्टेप फंक्शंस है ना, उसका हाँ थोड़ा सा सर्कल, उसका क्या क्या? अरे थोड़ा सा समझ में नहीं आया एक्चुअली, कैसा वर्क फ्लो। उसको समझो भी मत। ठीक है, अभी के लिए मैं यही बता रहा हूं कि एटलीस्ट नो द पॉसिबिलिटी दैट यू कैन क्या बोलते हो, दैट यू कैन शेड्यूल दिस क्वेरीज यूजिंग सर्टन सर्विस कॉल्ड सेफ स्टेप फंक्शंस। समझ में आया? मतलब अगर एक क्वेरी पहले परफॉर्म होती है, अगर अभी का एग्जांपल देख लो, पहले तो मुझे व्यू क्रिएट करने से पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा DS_sales, बराबर। तो यस सर, व्हाट आई कैन अचीव यूजिंग स्टेप फंक्शन टाइप ऑफ सर्विस इज आई कैन अचीव अ वर्क फ्लो। वर्क फ्लो मतलब पहले एक जॉब कंप्लीट करो, वो खत्म होता है तो नेक्स्ट जॉब ट्रिगर करो बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स वेदर द जॉब हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड और फेल्ड। उसको बोलते हैं हम लोग शेड्यूलिंग या ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, तो वर्क फ्लो मतलब वही है कि इस केस में अगर हमें वर्क फ्लो डिजाइन करना है तो क्रिएटिंग अ टेबल इज माई फर्स्ट स्टेप। इफ द टेबल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ व्यू एंड देन क्वेरी ऑन व्यू विल बी माई थर्ड स्टेप। समझ में आया अभी? तो हम यस लोग ये चीज इसको वर्क फ्लो बोलते हैं या फिर ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं या फिर शेड्यूलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग स्टेप फंक्शन से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी आई वॉन्ट यू टू नो। हम लोग को करना नहीं है ये। ठीक है, इफ वी नीड इट देखेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि अथेना हम लोग एज सच यूज नहीं करते, हम प्रोफाइल में भी नहीं डालेंगे अपने एज सच। ठीक है, और वर्क ग्रुप हमने देखा था, डेटा सोर्सेज, देर आर डिफरेंट डेटा सोर्सेज दैट यू कैन ऐड हियर। ठीक है, सो देर आर मल्टीपल सपोर्ट्स दैट अथेना प्रोवाइड्स यू, लाइक AWS ग्लू डेटा कैटलॉग हमने देखा, अपाचे हाइव मेटास्को, ये बहुत सारी सर्विसेज का सपोर्ट देता है आपको, जैसे रेडशिफ्ट को कनेक्ट कर सकते हो, DynamoDB एंड योर लोकल DB सर्वर्स ऑल्सो, लाइक ओरेकल है हमारा, तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी डिटेल, कनेक्शन डिटेल्स। लेकिन ये जो कनेक्शन डिटेल्स है लैम्बडा फंक्शन से ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बियॉन्ड स्कोप है। समझ में आ रहा है? तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू नॉट एक्सप्लोर इन दिस डिमेंशन। एम आई क्लियर? यस ठीक है, अगर मैं कुछ मत करो बोल रहा हूं ना, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बींग अ रीबेल, डोंट
ट्राई टू डू इट, ठीक है? अगर कुछ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ज्यादा यूज नहीं होती है चीजें, तो सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन, ठीक है? अगर चीजें जरूरी होती है मैं बता देता यार, ऐसा नहीं है कि बताने में कुछ दिक्कत है, लेकिन ये चीजें हम यूज नहीं करते। देर आर सर्टेन फंक्शनैलिटीज दैट वी डोंट यूज बिकॉज दोज आर नॉट एफिशिएंट ऑप्शंस, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई भी यूज नहीं करता होगा, बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कम लोग यहाँ से डेटा सोर्स ऐड करते हैं। इफ दे वॉन्ट टू एड अ डेटा सोर्स, दे विल एड इट फ्रॉम RDS। देर इज अ सर्विस कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, वेयर यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस RDS इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस ऑन इट, ठीक है? तब अगर हमें करना ही होगा ना, तो हम लोग वहां से ऐड करें। आई टेल यू हाउ टू एड अ डेटा सोर्स यूजिंग RDS, ठीक है? तो यहाँ से तो एज सच ये बहुत नया फीचर है, तो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है अभी के लिए, ठीक है? तो डोंट डोंट डवेल इनटू इट मच, क्योंकि ना देखो एक बात समझ लो कि थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज है, देर आर मेनी ऑप्शंस इन AWS दैट यू कैन लर्न, बट आपको एट दी एंड ना खुद के कुछ चीजों पे स्टिक टू रहना है। अदरवाइज आप ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन हो जाओगे। हमें वैसे नहीं करना है, ठीक है? हमें कुछ चीजों में मास्टर बन के जाना है, ठीक है? यू आर नॉट गोइंग एज अ फ्रेशर, ठीक है? तो हम लोगों को जो चीजें हमने बताई है इंटरव्यू में, वो चीजें जाके परफॉर्म करनी आनी चाहिए। हम लोग बाद में जाके एक्सक्यूज नहीं दे सकते वहां पे कि हमने EMR बताया है, हमने ग्लू बताया है, तो दे एक्सपेक्ट अस टू डिलीवर इन दैट फैशन ओनली, ठीक है? अगर आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करके जाओगे, इफ यू हैव दैट अपेटाइट एंड कैपेसिटी टू पुट दोज आवर्स, ठीक है, दिन में 16 घंटे करके एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, ठीक है? आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि नो वन कैन डू दैट, लेकिन मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी, ये समझ लो, ठीक है? तो लिमिट योर सेल्फ टू सर्टन सर्विसेस एंड अचीव एक्सपर्टीज ओवर इट। ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, जो जो चीजें हम लोग क्लास में कवर कर रहे हैं डिटेल में, जैसे ग्लू कवर करेंगे, EMR कवर करेंगे, रेडशिफ्ट कवर करेंगे, ट्राई टू गो डीपर एंड डीपर इनटू इट। मैं वहां पे ना किसी भी रेस्ट्रिक्शन को प्रपोज नहीं करूंगा, जितनी चीजें एक्सप्लोर करनी है आपको उतनी चीजें करनी चाहिए उसमें, क्योंकि यू आर गोइंग एज ए एक्सपीरियंस पर्सन देयर, ठीक है? हम लोग अथेना एज सच कुछ यूज नहीं करते फॉर ETL, ठीक है? अगर किसी को एक्सप्लोर करना है, यू आर वेलकम टू डू इट, ठीक है? लेकिन बाकी की चीजें छोड़नी नहीं है जो कोर है, ठीक है? चलो ठीक है, आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। कल क्या देखना है हम डिसाइड करते हैं। आई एम नॉट श्योर ऑल्सो कल क्या देखेंगे हम। इफ यू वॉन्ट सम क्लैरिटी और अथेना, वी कैन डिस्कस टुमारो। अदरवाइज आई कैन क्रिएट वन मोर टेबल एंड वी कैन क्वेरी परफॉर्म सम क्वेरीज ओवर इट, ठीक है? लेकिन कल तक आप S3 तक तो क्लियर कर लो खुद का, कितना लोगों का हुआ है, कल के टाइम का कुछ यूज किया है किसी ने? यस यार बाकी लोग क्यों बोलते नहीं हो यार, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? देर आर वेरी फ्यू पीपल वो रिस्पॉन्ड टू सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है? बाकी लोग इतने ज्यादा इनएक्टिव, या फिर व्हाट इज द इशू कि क्लास में बोलने में इशू क्या है? जजमेंट का फियर है क्या कि मैं कुछ गलत बोल दूं तो कोई मुझे ऐसे जज करेगा? डोंट डू दैट। अगर आप अभी नहीं बोल रहे हो ना, यू विल फेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग इंटरव्यूज, ये मेरे ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ मैं, ठीक है? देर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग इंटरव्यूज। आखिरी के 1 महीने में करने की चीज नहीं है ये, बोलना सीखना ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है? ट्राई टू कमिट मिस्टेक्स नाउ सो दैट यू विल रेक्टिफाई दोज टिल द टाइम योर प्लेसमेंट स्टार्ट। सो डोंट फियर टू कमिट मिस्टेक्स, ठीक है? मिस्टेक कमिट करके ही सीखोगे। अभी बोलोगे क्लास में और गंदा बोलोगे ना, दैट इज गुड थिंग, दैट नेक्स्ट टाइम जब बोलोगे ना, यू विल हैव स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है? चलो बहुत हो गया लेक्चर, लेट्स एंड द सेशन, ठीक है? कोई इश्यूज है तो कल लेके आओ, हम लोग देखते हैं। अभी कोई डाउट्स? नो ठीक है, हाँ चलो, आई एम एंडिंग द सेशन। बाय गाइस, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।